सब तो पहला तो मैं सारी प्रेस का थोड़ा इतने पहुँचने दिते तुम जीव कहना वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। और अज की जी प्रेस मीटिंग है ये आप टाइम से जो बहुत ही भखदा मसला है वो आप गलबात कर रहे हैं जिमें कि पंजाब असेंबली हाउस के गुरबाणी के सीधे प्रसारण लैके जो पंजाब असेंबली हाउस के भगवंत सिंह मान सरकार ने बिल लिया के ते एक नवा कानून बनाने वास्ते ये शुरुआत की गई है। इतने सानू बहुत बड़ा दुख है और असं ये समझते हैं कि ये सरकार ने जो ये कानून बनाने वास्ते गलती की है ये पिछे एक साजिश है क्योंकि आने वाले समय के जिस तरह इन्होंने अज गुरबाणी के सीधे प्रसारण का जिहड़ा श्री दरबार साहब अमृतसर तो बहाना बना के ये कानून बनाया ये आने वाले समय के सिख कौम लिए एक बहुत बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है कानून क्योंकि एक सानू जिस तरह कहते सियाने कहते हैं कि सहज ही नहीं सानू पै दी है कि जे ये जिस तरह पंजाब असेंबली हाउस के इन्होंने बिल लिया के पास किया है तो आने वाले समय के कोई भी सिख विरोधी सरकार आ के तो वो इस तो भी खतरनाक जड़े आ बिल लिया के ते ये सोध करके ते ये साड़ी जिहड़ी बहुत वड्डियां कुरबानियां देण तों बाद श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी होंद चाही आ जिन्हें गुरद्वारियां दी सेवा संभाल करनी सिखी का प्रचार ते प्रसार करना और सिख रहत मर्यादा पंथक मर्यादा ये जिहड़ियां ने इन्हां दा जिहड़ा वो समय समय पालन करना ये तो एक बहुत वड्डा हमला है। ये वक्री गल है कि अज श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़ी आ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲ ਦੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇਨਸਾਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾੜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਰਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਦਸਤਾਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ एक वक्री गल लेकिन दाड़ी के उत्ते जी ये टिप्पणी की गई है ये भी असं निंदा करते हैं और पंजाब सरकार को यह असं कहने कि जोड़ा असेंबली हाउस के एक रिकॉर्ड के जोड़ी चीज़ आ गई है यू डिलीट करना चाहिए। अगली गल सा एक होर भी है कि जिथे असी पंजाब सरकार के वलों ये कानून च सोध कर विरोध करते हैं दाड़ी के उत्ते टिप्पणी कर विरोध करते हैं उसके नाल नाल असी ये तुहानू दसना चाहुंदे आ कि अज साडे वल्लों आ एक मंग पत्र जिहड़ा है वह श्रोमणी कमेटी के प्रधान ते समुचे मैंबरां नू जिहड़े कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुख सकत्तर ने सरदार प्रताप सिंह उन्हां दे राहीं असी प्रधान श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार हरजिंदर सिंह धामी ते समुचे मैंबरां नू यह एक मंग पत्र दे के असी इहदे च कुछ मंगा भी रखियां। वो मंगा की ने कि जिस तरह असी सब तो पहला जिहड़ी गल मैं कीती है कि जिहड़ा मान सरकार ने जिहड़ा कानून लिया सोध बिल लिया इहदा असी विरोध करते हैं दाड़ी के संबंध में भी तुहाडे नाल गलकार होगी। दूजी गल कि भगवंत मान की हिम्मत किवें पई ये जिहड़ा उन्हें पंजाब असेंबली हाउस के मता लिया के जिहड़ा बिल पे पास किया गया है ये उहदी हिम्मत किवें पै गई क्योंकि जिन्ना चिर श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी जनरल हाउस के जड़ा वो मता पा के केंद्र सरकार नहीं भेजी उन्ना चिर इत कोई भी सोध नहीं हो सकती ये किसी भी चाहे पंजाब सरकार होवे चाहे केंद्र सरकार होवे किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वह कानून श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के जोड़ा 1925 का बनया हुआ एक्ट है वो कोई सोध कर दिन कोई तरमीम कर उन्होंने कोई अधिकार नहीं है। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
सो जिथे असी उहदा विरोध करदे आ उहदे नाल नाल इह वी आ भई असल दोषी कौण है, मान दी हिम्मत किवें पई। इहदे विच असी इस अपने मंग पत्र च लिखिआ है कि जिस तरह अज श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों मान दे खिलाफ जनरल हाउस दा जिहड़ा सी उह बुला लिआ, जनरल हाउस बुला लिआ, 26 जून नूं मीटिंग बुला ली है, अते पंजाब दे गवर्नर नूं वी मिल के आए आ, बहुत चंगी गल है, असीं इस गल दी हिमायत करदे हां। पर असीं श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी तों ते जिहड़े श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे इस टाइम दे नाल संबंधित जां सुखबीर बादल वर्गे जां विरसे बलटोए वर्गे जिहड़े बादलां ने तोते रखे बोलण वास्ते, उन्हां तों इह पुछणा चाहुंदे हां भी जिहड़ा तुसीं इह विरोध कीता इहदी ते असीं वी विरोध तां करदे, पर इह दसो भई तुस जदों 1999 च खालसे दे 300 साला साधना दिवस नूं समर्पित समागम हो रहे ने, उस टाइम दे उत्ते सरदार प्रकाश सिंह बादल, बेशक उह संसार ते नहीं रहे, इस तरह सरदार गुरचरण सिंह कौड़ा भी नहीं हैगे, उन्हां दी आपस विच विगड़ गई ते उस टाइम ते सिंह साहब भाई रणजीत सिंह ने एक अपील की इन्हां नूं जिहड़ा सी ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਝਗੜੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ 300 ਸਾਲਾ ਸਾਧਨਾ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਮਨਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨੂੰ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਮੱਖਣ 'ਚੋਂ ਵਾਲ ਕੱਢੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਆਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਦਖਲ ਦਿੱਤੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ 1996 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 1996 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ 1996 ਦੀ ਗੱਲ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਰਐਸਐਸ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਿਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1925 ਦਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 1925 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਾੜੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਲਫੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ SGPC ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ETC ਅਤੇ PTC, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ETC PTC? ਇਹ ਉਹ ETC PTC ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਰੌਲਾ, ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ETC ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਾਣ
एक वक्री गल है वो पैसे लैके किया जा किस तरह किया मैं नहीं मैं इस गल का नहीं पता पर अखबारों से गल चलिया भी पैसे लै बीबी जगीर कौर ने उस तो बाद मक्कड़ की गल भी चलती है लै या नहीं लै लेकिन असी एक कोर्ट च केस किया कि ईटीसी के नाल जो एग्रीमेंट होया ये तो पीटीसी ने आ 2007 दे विच जिहड़े ईटीसी नूं अधिकार मिले सी उह पीटीसी ने छित्तर दे नाल ईटीसी तों अधिकार लै ले और उसी तरीक दे विच जिहड़े सी पहलां ईटीसी जिहड़ी आ सारे अधिकार पीटीसी दे और उसी तरीक च शाम नूं यूके ते यूएसए दो देशां दे अधिकार जिहड़े आ वो फिर ईटीसी जिहड़ी आ वापस लै रही आ 1.5 करोड़ दे विच पहला जिहड़ा सी वो उन्हां नूं दित्ता गया ईटीसी 1.5 करोड़ दे विच अपने अधिकार पीटीसी नूं दिंदी आ लेकिन हैरानगी इस गल दी कि पीटीसी जिहड़ी ईटीसी बाद दे विच उसे दिन ही पीटीसी कोलों 1.25 करोड़ दे दो देशां दे अधिकार लैंदी आ पूरे संसार दे ते 1.5 करोड़ च लेकिन दो देशों के अधिकार ईटीसी वापस लै रही है 1.25 करोड़ च हुण तुसीं वेखो भी इस किड्डा वड्डा स्कैंडल होएगा सो जिहड़ी इह गल करदे ने सो असीं इस गल दे इह हक च पहलों तो ही नहीं कि एक इक्को चैनल चलावे पीटीसी ते बादलां दा चैनल इस करके कल्ले पीटीसी नूं अधिकार क्यों असीं उदों भी इह गल कही सी कि जिन्ने चैनल वध तों वध चैनलां नूं गुरबाणी दे प्रसार करन दा उह मौका देना चाहीदा जिहड़ी कि पूरे संसार दे विच गुरु नानक नाम लेवा सिख उह सिख है मुसलमान है हिंदू है जिहड़ा भी गुरबाणी सुननी चाहुंदा है वह श्री दरबार साहब तो सीधा प्रसारण सुने ये असीं शुरू तो ही ये गल कर रहे आ रहे हैं कि यह सारे नूं चाहिए पर जिस तरीके नाल कानून बनया ये गलत है ये कानून इस तरह नहीं बनना चाहिए क्योंकि पंजाब सरकार जां केंद्र सरकार इन्हां दोवां सरकारां नूं श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का 1925 का जिहड़ा एक्ट आ इहदे विच किसे भी किस्म की जिहड़ी आ उह तब्दीली करन दी इन्हां नूं कोई भी जिहड़ी आ उह आग्या नहीं दित्ती जा सकदी ना ही इन्हां कोल कोई अधिकार है जिहड़ा भी कोई श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे विच कोई कानून च सोध करनी आ ते उह श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का जनरल अजलास मता रखेगा और उहदे विच उह अपनी सिफारिश केंद्र सरकार नूं करेगा ते फिर केंद्र सरकार कर सकदी आ वरना पंजाब केंद्र सरकार की पंजाब सरकार की तो घर छोड़ो केंद्र सरकार भी नहीं कर सकती लेकिन जी 26 तारीख में जनरल इजलास श्रोमणी कमेटी वालों सद्या गया उस इजलास में किस तरह देखते जे कि लगता है कि उस इजलास से श्रोमणी कमेटी अपना चैनल बनाने का प्रस्ताव रख सकती है या तुम भी अज क्या कि मिल के आए जो मांग पत्र दिता जनरल इजलास बारे तुम की मांग रखी असीं यह मंग रखी आ भी एक तो चैनल जिहड़ा उह श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं अपना बनाउणा चाहिए दूजी असीं यह गल कीती आ कि जिस तरह श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मान सरकार वल्लों श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का जिहड़ा इह सोध करन वास्ते जिहड़ा बिल पास किया गया है इहदे ते ते सुखबीर बादल की दाढ़ी ते टिप्पणी करन दित्ती जिस तरह तुसीं इक दम जिहड़ा उह श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का हफ्ते के अंदर अंदर जिहड़ा उह जनरल इजलास बुला लिया अते तुसीं गवर्नर नूं भी मिल के आए हो असीं इहदी हिमायत करदे हां चंगी गल है पर जदों श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने 1999 दे विच सिंह साहब भाई रणजीत सिंह नूं अकाल तख्त की जथेदारी तो लाया उदों श्रोमणी कमेटी चुप क्यों आ जिहड़ी किताब है जिहदे विच गुरु साहिबां नूं चोर डाकू कातल लिख के यह किताब श्रोमणी कमेटी ने पबलिश की 1999 च उस खालसा साजना दिवस में समर्पित इतने असी हुण तक लगातार लिख दे रहे हैं तो अज भी मंग पत्र च लिखा कि तुसीं यह किताब जिहड़ा क्योंकि जदों यह साढ़े कोल किताब आई असी श्रोमणी कमेटी ते केस किया तो जदों नोटिस की कापी उन्हां कोल गई उस तों बाद श्रोमणी कमेटी ने इहदे ते एक कमेटी बनाई डॉक्टर खड़क सिंह राय भाई पड़ताल करो भी यह किताब किवें छपी आ डॉक्टर खड़क सिंह कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दिती कि यह जिहड़ी किताब छपी आ
ये संबंध में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को एक वक्री कमेटी बनानी चाहिए आ सब कमेटी बना के पड़ताल कराए कि श्रोमणी कमेटी च कि काले मूँह वाली भेट बैठी आ जिन्हें आ जड़ी किताब है ये गुरु साहबान चोर डाकू कातल कह के ते एक किताब पबलिश कराई है। सो अज तक उत्ते कमेटी जी नहीं बनाई गई और इस संबंध जिन्हें हूँ तक प्रधान बने ने सारे प्रधानों तक पहुँच बनी है जिन्हें अकाल तख्त के जथेदार बने ने उन्होंने जथेदार तक पहुँच की आ। मैं अज भी यह गल लिखती तौर पर भी कह के आए कि तुम ये तक नहीं बनी सो ये बननी चाहिए आ तो उन्होंने विश्वास दया बनेगी। दूसरी आ जी गुर बिलास पातशाही छेवीं है इस भी इतिहास में तरोल मरोड़ के जरा लिखा गया यह भी श्रोमणी कमेटी ने पहलू की है भी ये अज तक जी कार्रवाई दोषियों के खिलाफ क्यों नहीं। इस तरह इस तो भी अगे ये कहें कि भगवंत मान ने अज जड़ा वो श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के जड़ा संविधान है वो दखलबाजी की है। हुण तुसी एक गल देखो कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी एक तो सिंह साहब के मसले पर चुप क्यों रही, दूसरा जो सरसे साध नूं माफ किया गया श्रोमणी कमेटी ने उस वक्त जिहड़े सी उह 90 लाख के इश्तहार जिहड़े ने उह श्रोमणी कमेटी की गुरु की गोलक चों सरसे साध नूं माफ करन वास्ते अखबारों नूं क्यों दित्ते, वह भी किन्ने दवाए सी तुहानूं पता सब नूं कि सरसे साध नूं माफ करके करन वास्ते जथेदारां नूं प्रकाश सिंह बादल ने अपनी कोठी च बुला के आदेश किया उदों श्रोमणी कमेटी चुप क्यों रही। जदों श्री गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप श्रोमणी कमे जिहड़ा सरसे साध ने अगन पेट गलियां च खिलारे अंग अंग करके और सारा कुछ उदों ये बादल सरकार ने दोषियों नूं बचाउण वास्ते जिहड़े सी साडे सिंघां ते केस किया गोलियां चलाईयां साडे सिंघ शहीद किए जिन्हां दे संबंध च अज भी मोर्चा चल रहा उत्थे श्रोमणी कमेटी दोषियों नूं सज़ा दिवाउण वास्ते उह क्यों नहीं मैदान च आई क्यों चुप। इस तों भी अगे प्रकाश सिंह बादल ने मुख्यमंत्री हुंदिया श्री गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी च सतगुरु राम सिंह चेयर स्थापित की है। सतगुरु शब्द असी श्री गुरु नानक देव पातशाह तो लैके गुरु गोबिंद सिंह दस गुरु साहबान अपरंत गुरु ग्रंथ साहब तो बगैर किसी सतगुरु शब्द का संबोधन नहीं कर सकते, पर प्रकाश सिंह बादल पंजाब का मुख्यमंत्री हुंदिया सतगुरु राम सिंह चेयर स्थापित कर रहा श्री गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी भाव श्री गुरु ग्रंथ साहब की गुरियाई मुढ़ो रद्द करके देहधारी गुरु ने प्रमोट कर रहा कि वह सिख धर्म के उत्ते हमला नहीं उस वक्त के मुख्यमंत्री ने नहीं किया। उस टाइम पर श्रोमणी कमेटी चुप क्यों, अकाल तख्त के जथेदार अज तक उत्ते चुप क्यों। सो अभी अज यह भी लिख के देख आए हैं कि जिन्होंने वो उस टाइम के उत्ते जी एक चेयर स्थाप की आ बेशक अज सरदार प्रकाश सिंह बादल इस संसार से नहीं पर वो साथी संगत है कि जी उन्होंने खिलाफ कार्रवाई की है। इस तो भी अगे जाके मैं तुम्हें एक वो चीज़ दस रहा हैं तुम आ देखो कि श्रोमण पंजाब एजुकेशन बोर्ड ने 1997 दे विच आ देख लो कि सरकार की दी सी 1997 च आ जड़ियां किताबां ने पंजाब एजुकेशन बोर्ड वालों हिस्टरी ऑफ पंजाब प्लस टू के बच्चों स्कूलों च पढ़ाने लई सिख धर्म नूं मुढ़ो रद्द करके श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं चोर डाकू कातल दस के बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं औरतां दियां इज्जतां लुट्टण वाला मजलूमां दा खून चूसण वाला एक राक्षस दस के ये किताबां 1997 च आ वेख लो कि उदों सरकार किहदी सी ते आ वेख लो कि उस टाइम दे उत्ते पंजाब एजुकेशन बोर्ड ने यह नोटिफाई करके ये किताबां जड़ियां लेखकां नूं पबलिश करन दी आग्या किने दित्ती स्कूलां च क्यों पढ़ाईआं गईआं और ये किताबां 1997 तो लैके 2017 तक जिस इस समय दे विच इन्हां 20 सालां च पहले 5 साल 97 तो लैके 2002 तक बादल सरकार 2002 तो लैके 7 तक कांग्रेस की कैप्टन सरकार
उस तो बाद फिर 17 तक 7 तो लैके 17 तक बाद अकाली दल बादल की सरकार ये 15-20 साल बंदे 20 साल 5 साल कांग्रेस ने 15 साल अकाली दल बादल ने यह किताबा भाई नोटिफाई करके बच्चों ये क्यों पढ़ाई गई मैं अज लिख के देखा है भाई तुम ये तो चुप क्यों जे अज तक श्रोमणी कमेटी चुप क्यों आ ये की इस करके कि ये अखौती अकाली दल बादल सरकार के टाइम उत्ते ये नोटिफाई करके किताबा पढ़ाई गई तो उन्होंने उत्ते ये इल्जाम एक्शन आता करना पैंदा तां चुप जे मैं अज लिख के देखे हैं मैं जबानी गल भी की उन्होंने नाल सारी टीम साड़ी नाल सी होर भी सिंह नाल सन काफ़ी असी ये अपनी संस्था वालों ये गल की है कि जिन्हां लोग उस टाइम के उत्ते 1997 तो लैके जिहड़े जिहड़े सिक्ख्या मंत्री रहे अकाली पार्टी जा कांग्रेस दे राज इन्हां राज्यां जिहड़े रहे ने उन्हां ते संबंधित दोषियों ते पंजाब एजुकेशन बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ एक कार्रवाई होनी चाहिए है। इस तो भी अगे तुसीं अज ये वेख्या होगा अकाल दीआं खबरां आ रही ने बाजा खाना गुरद्वारे साहब दीआं उत्थे की होया उत्थे आ गुटके जिहड़े आ नामधारी नितनेम सुखमणा साहब जिहड़े कि नामधारी कूकियां वल्लों लिखे हुए उत्थे तुसीं दिखा रहे ने कि ये जिहड़े लेखक है प्रकाशक है प्रकाशक तो इतों दिया ही है साढ़े लेकिन लेखक कौन है नामधारी कूके श्री गुरु ग्रंथ साहब की गुराई रद्द करके आ देख लो तुसीं एक ओंकार श्री सतगुरु राम सिंह जी साहे नामधारी नितनेम तो इस तरह ये गुटके जड़े ने यह पबलिश किए गए और इन्होंने गुटकों से 800 पन्नों का गुटका है 100 पन्नों की भूमिका है 100 पन्नों की भूमिका च गुरबाणी दीआं तुकां अर्थ अपने हिसाब न करके कहें कि गुरबाणी कहती है कि देहधारी गुरु की लोड़ है सो सतगुरु राम सिंह चेयर स्थापित करके आ गुरबाणी के गुड़के श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की हदूद के अंदर अज तो कुछ साल पहला तो प्रेस को पता होगा कि नामधारी कूकिया ने उत्थे अपना जिहड़ा सी कैंप लाया उन्होंने अपना लिटरेचर फिर वंडिया उन्होंने आ गुटके जिहड़े आ ये दरबार साहब की परिक्रमा च वंडे तो मैं क्या भी उदों श्रोमणी कमेटी चुप क्यों कि इस करके कि उत्तों हाईकमांड वालों जिदा श्रोमणी कमेटी पर भी कब्जा जिदा अखौती अकाली दल पर भी कब्जा वो सारिया के उत्ते ये गुटके जड़े बनाए गए उदों चुप क्यों सो असी बहुत सारे मसले अज जड़े आ वो अज अपने मंग पत्र देखे आई उन्होंने और यह गल कही है कि जिहड़ा तुसी 26 जून का अजलास बुलाया इस अजलास दे विच असी आ तुहानू मंग पत्र दे विच जिहड़े आ मुद्दे जिहड़े आ नामधारी कूकिया नाल संबंधित ते आ पंजाब एजुकेशन बोर्ड नाल संबंधित सिख इतिहास हिंदी बुक गुरबिलास पातशाही 6वीं इन्हां नाल संबंधित असी मुद्दे दिते आ भई जिहड़ा ये 26 जून की मीटिंग विच जनरल अजलास के हाउस में इन्हां ते भी विचार जिहड़ी आ ओह कीती जावे देखो गल साडा फर्ज सी सुत्तिआं नूं जगाउणा वैसे तो जागदे ही सुत्ते ने पता उन्हां नूं सारा हुण तक असीं बहुत वारी उन्हां कोल जा चुके हैं पर साडी एक जिम्मेवारी सी साडा एक फर्ज सी असीं हुण तक ये इशू उठाए ने ते असीं उन्हां नूं कहा भी सानूं भी हुण मौका मिलिया गल करन दा मौका मिलिया भी अज भगवंत मान ने ये जिहड़ा काम किया ये गलत किया तो तुम जिते भगवंत मान के समझ गल करनी है उत्थे आ भी करो नहीं करे तो फिर वेखांगे किसी ने भी कोई सवाल करना हो कर सकते हो कोई भी किंतु परंतु जिहड़ा आवे क्योंकि आ साडे को आ वेखो तुम हो।